हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट। एंड टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज के छोटे से वीडियो टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोस्टर राइटिंग के बारे में। क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में पोस्टर राइटिंग आता है। अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो तो आप देखते होंगे कि 5 से 6 से 7 नंबर के बीच में आपका एक पोस्टर बनाने के लिए आता है। और अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है हमारा कि कैसे आपको पोस्टर बनाना है, कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो पहले आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर देखिए कि कैसे आपको पोस्टर बनाने हैं। और आपको बताया भी जाता है पोस्टर में कि 50 वर्ड से ज्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सो अभी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर अ फिटनेस ट्रेनर इन हेल्थ क्लब, डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको एक पोस्टर की डिजाइन करना है, 50 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए। एक लिमिट बताई गई कि 50 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए। यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, आप क्या हो, एक फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है, इन अ हेल्थ क्लब। किसके हेल्थ क्लब के आप क्या हो, फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है। टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। यू आर प्रेम या प्रिया, आप प्रेम हो सकते हो, प्रिया हो सकते हो, इट्स अप टू यू, जो भी आप पसंद करें, ठीक है। तो आप क्या हो, एक ट्रेनर हो, फिटनेस ट्रेनर हो, और आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज को क्या करना है, बढ़ा के बताना है, एम्फेसाइज करना है, लोगों के अंदर उसकी भावना लाना है कि यार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और लोगों को बताना है कि मेंटेन करो अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को, ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये बताना है हम लोगों को। देखिए, सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइटल, टाइटल में लिखेंगे द इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोग बता रहे हैं इंपॉर्टेंस किसका, एक्सरसाइज का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में सारे वर्ड्स लिखना है, आप उसमें डिजाइन भी दे सकते हैं, कोई भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, हमको बताना है व्हाई, क्यों है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ दैट, कंट्रोल वेट, वेट को कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, ओके। इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम, हमारे सेल्फ एस्टीम को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए है। टोन्स मसल्स, हमारी टोन्स मसल को बढ़ाने के लिए, अगर हम लोगों की मान लीजिए हाइट नहीं बढ़ रही, तो इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है। देन रिलेटिव स्ट्रेस, ओके, रिलीज आवर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है हमारा टेंशन, ओके, मानसिक तनाव। कई लोग होते हैं ना, यार पापा ने आज पीट दिया, मैं तो पूरा गया, तो टेंशन हो जाता है ये, ठीक है। फिर हुक्का बार चलते रहता है, तो वो उन सब स्ट्रेसेस को क्या करता है, वो दूर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नए नए तरह के कर्तव्य दिखाए गए हैं आपके सामने, ठीक है। एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज हमारी क्या हेल्प करता है, हमारे को फिजिकल और मेंटल हेल्थ देने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। फोकस ऑन द ग्रेट थिंग दैट डेली एक्सरसाइज कैन डू फॉर यू, ओके। हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छी बात के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। सेट असाइड टाइम ईच डे फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हमको क्या करना चाहिए, एक फिक्स टाइम डिसाइड करना चाहिए किसके लिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ओके। एंड एवरी पर्सन शुड एक्सरसाइज एवरी डे बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। And if we do exercise, so we can maintain our weight, our physical activities, and our mindset. Actually, you always fear stress, so it's a one more reason. Your muscles are breaking, your muscles are closing. So if you want to open your muscles and your mindset, so you should do exercise every day. It's a very simple concept, and it's we should follow in our life set. ओके एंड एक्सरसाइजेस मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ओके देखिए इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रेम फिटनेस ट्रेनर एक्स वाई जेड हेल्थ क्लब ओके तो आप बता सकते हो कि किसके द्वारा ये पोस्टर इशू किया गया है जो आपको क्वेश्चनर ने बताया हुआ था ओके सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये पोस्टर आप लोग बनाना सीख गए होंगे सो टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है टक्कर में फिट रहिए मस्त रहिए ठीक है।